हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने ऑल न्यू 2022 मारुति सुजुकी ब्रेजा और साथ ही पुराने वाली विटारा ब्रेजा। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों कार्स को कंपेयर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस आपके यहाँ पे इन दोनों कार्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये दोनों ही वेरियंट्स VXI आप देख रहे हैं, एंड VXI मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि ये वाला वेरियंट जो है वो पहले भी सबसे ज़्यादा बिकता था और अब भी सबसे ज़्यादा डिमांड में ये वाला वेरियंट है। प्राइस डिफरेंस की अगर बात करते हैं सबसे पहले तो अब वाली का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 9,69,000 रुपीज़, और जो पहले वाली VXI वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस था वो था 8,91,000 रुपीज़। बाकी फ्रंट लुक आपको यहाँ पे दोनों ही कार्स का कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। फ्रंट में जो मेजर चेंज है वो ये है, पहले आपको यहाँ पर VXI वेरिएंट के अंदर फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते थे, जो कि आते थे LED DRLs और LED साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ, एंड इनका जो थ्रो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। अब इनमें आपको यहाँ पे एक डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है क्योंकि अब आपको यहाँ पे इसमें VXI वेरिएंट के अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं। मतलब मारुति 80-90,000 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे फीचर्स थोड़े बहुत डिलीट कर रहा है। फ्रंट में आपको यहाँ पे इसमें कुछ इस तरह की अब ग्रे कलर की ग्रिल मिल जाती है, पहले आपके यहाँ पे इसमें पूरी क्रोम में मिला करती थी। एंड फ्रंट आप ऑलरेडी देख चुके, दोनों ही कार्स का कुछ ऐसा आपको मिलता है। इंजन की अगर बात करें तो दोनों के अंदर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। पहले वाली के अंदर आपको यहाँ पे K15B सीरीज़ का इंजन मिलता था, अब आपको मिलता है K15C सीरीज़ का इंजन। पावर फिगर्स ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के, 103 PS, और टॉक भी दोनों का सेम ही है अराउंड 137 Nm। बट जो डिफरेंस आता है वो आता है इनके ट्रांसमिशन में। पहले आपको मिलता था 5-स्पीड मैनुअल और साथ ही 4-स्पीड ऑटोमेटिक, अब आपको मिल जाता है 5-स्पीड मैनुअल और साथ ही 6-स्पीड ऑटोमेटिक। तो ये एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नए वाली के अंदर अब कर दी गई है। बाकी अगर बात करते हैं साइड की, तो साइड में आपको यहाँ पे इन दोनों के अंदर ही 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि आते हैं फुल व्हील कवर के साथ, एंड फिलहाल अभी व्हील कवर्स इनमें इंस्टॉल्ड नहीं है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो नए वाली के अंदर आपको मिलता है 215/60R16 सेक्शन के टायर्स, और पुराने वाली में आपको मिल जाते थे 205/60R16 सेक्शन के टायर्स। तो टायर्स में यहाँ पे नए वाली में इम्प्रूवमेंट कर दी गई है। बॉडी क्लैडिंग आप यहाँ पे दोनों ही कार्स की देख सकते हैं। मेरे को पर्सनली पहले वाली ब्रेजा की बॉडी क्लैडिंग ज़्यादा पसंद थी, अब इन्हें ज़्यादा ही मोटा कर दिया गया। मतलब तब मेरे को पर्सनली ये वाली कुछ खास इसमें पसंद नहीं आई है। पहले वाली आप देखो कितनी ज़्यादा नॉर्मल सी ये लग रही है। साइड टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे इनके दोनों के ही ओवर VMs के ऊपर मिलते हैं। डोर हैंडल आपको यहाँ पे दोनों में बॉडी कलर दिया गया। एक जो डिफरेंस आपको यहाँ पे इनके डोर हैंडल्स में देखने को मिल पा रहा होगा वो है रिक्वेस्ट सेंसर का। पहले आपको यहाँ VXI वेरिएंट के अंदर कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता था, अब आपको ये फीचर अब वाली VXI वेरिएंट में नहीं मिलता है। बाकी अगर बात करते हैं कंप्लीट साइड लुक की, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे नए वाली का कंप्लीट साइड लुक मिलता है और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे पुराने वाली का मिलता है। मेरे को पर्सनली नए वाली का साइड लुक ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि ये वाला जो ग्लास है ना, मतलब एक लुक दे देता कार को काफ़ी बढ़िया सी। यहाँ पे वो पुराने ज़माने टाइप का इसमें दिया गया है। बाकी अगर बात करते हैं रियर की, तो कुछ ऐसी आपके यहाँ पे दोनों कार्स रियर से मिल जाती है। दोनों के अंदर ही आपके यहाँ पे LED टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं। नए वाली के अंदर पूरे आपके यहाँ पे रेंज रोवर स्टाइल में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। साइड टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट आपको इसी यूनिट के अंदर बीच में देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें दी गई है ब्रेजा की बैजिंग, इस साइड पर आपको मिल जाती है विटारा ब्रेजा की बैजिंग, एंड अब जो है विटारा नाम इस कार के ऊपर से हटा दिया गया है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपके यहाँ दोनों में ही दिए गए। बम्पर आपको नीचे दोनों ही ब्लैक मिल जाते हैं। अपर वेरिएंट्स के अंदर आपके यहाँ पे सिल्वर कलर के स्किड प्लेट आगे और पीछे बम्पर पे देखने को मिलते थे। बाकी रियर डिफॉगर भी यहाँ पे दोनों में दिया गया, स्पॉइलर और ब्रेक लाइट आपके यहाँ मिल जाते हैं। बाकी एक बार इन दोनों कार्स का बूट भी देख लेते हैं, तो बूट के अंदर जो है वो यहाँ पे कोई भी खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों के अंदर आपको 328 लीटर्स का बूट स्पेस दिया जाता है। बूट लाइट आपको यहाँ पुराने वाली में इसमें नहीं मिल रही है, और नए वाली में भी एक बार देख लेते हैं, उसमें भी यहाँ पे मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। बाकी एक बार यहाँ पे आप चेक कर लेंगे तो हाँ, इसके अंदर भी यहाँ पे बूट लाइट नहीं है। इसके अपर वेरियंट्स आपको मिल जाते हैं। दोनों के अंदर आप रियर सीट्स को इसमें फोल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपना बूट एरिया इंक्रीज करना। और जो डिफरेंस आ जाता है बैक सीट में वो है इसमें रियर एसी वेंट्स का। नए वाली के अंदर रियर एसी वेंट्स ऐड कर दिए गए, पुराने वाली के अंदर आपको नहीं मिला करते थे। एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट आपको यहाँ दोनों ही में दिए गए। पार्सल आपको यहाँ दोनों में ही नहीं मिलेगी। आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पे दोनों कार्स के अंदर नहीं मिलता है। बाकी एक बार मैं आपको पुराने वाली भी दिखा देता हूँ। तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट नहीं है, रियर एसी वेंट्स नहीं है। बाकी ना अब एक बार ही चल लेते हैं अंदर कार के, एंड अंदर से भी देखते हैं क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब जो है आपको नए वाली के अंदर यहाँ पे मिलते हैं पूरे ओवर VM के
स्विचेस पहले आपको मिलते थे यहाँ पर कुछ इस जगह पर, एंड ना पहले आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता था इस VXI वेरिएंट के अंदर, जो कि अब हटा दिया गया। अब आपको नॉर्मली की को इंसर्ट करके कार को स्टार्ट करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको ये पहले मिल जाता था, एंड काफ़ी बेसिक सा ये लगता है। मतलब यहाँ पर मारुति इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कर सकता था पहले भी, लेकिन अब कर दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। मीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, टेलीफोनी कंट्रोल्स आपको यहाँ नीचे नहीं दिए जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे काफ़ी बेसिक से इसमें देखने को मिलता है। कोई भी टच स्क्रीन वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे इस VXI वेरिएंट के अंदर पहले नहीं मिला करता था। यहाँ पर आपको इसमें दो ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, एक आपको यहाँ ऊपर मिलता है और एक आपको यहाँ नीचे मिलता है। अब जो है वो एक ही कर दिया गया है। बाकी ना अगर बात करते हैं AC की, तो ऑटो AC आपको यहाँ मिल जाता है। गियर बॉक्स आपको सेम ही मिल रहा है काफ़ी सालों से। पावर विंडो के स्विचेस भी इनफैक्ट आपको यहाँ पे 2005 वाली स्विफ्ट से सेम मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मारुति को थोड़ी बहुत। बाकी कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पुराने वाले भी मिल जाते थे, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे इनमें नहीं मिलता है। सेटिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो नए वाली के अंदर इससे ज़्यादा कंफर्ट है, डेफिनेटली है। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है बट कहीं ना कहीं है। तो क्वेश्चनिंग वाइज पहले वाली भी अच्छी थी और अब वाली भी अच्छी ही है। बाकी यहाँ से अब बंद करते हैं इसे एंड चलते हैं नए वाली ब्रेजा के अंदर। एंड ना पहले एक दिक्कत भी हुआ करती थी ब्रेजा में, जब आप इसे डोर को बंद करते थे ना, ये एक बारी में काफ़ी लोगों के साथ होता था कि ये एक बारी में ऐसे बंद नहीं हुआ करता था। तो अब नई वाली के अंदर ये पूरा इम्प्रूव हो चुका है। बाकी ये वाला भी हो रहा है अभी वीडियो के अंदर। बाकी मैंने काफ़ी लोगों की कंप्लेंट देखी थी कि ये वाली जो चीज़ थी ये पहले नहीं हुआ करती थी। और ना अब यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अब VXI वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके की कीज़ देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बेसिक है एंड लॉक और अनलॉक के ऑप्शन के साथ ही आती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर इसमें पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया एंड ओवरऑल डिसेंट है ये। यहाँ पे आपको इसमें मिल जाता है इसका म्यूजिक सिस्टम, जो कि आता है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ। एंड्रॉयड ऑटो आपको कार पे दिया गया, AM/FM ब्लूटूथ और USB का सपोर्ट तो आपको मिलता ही है। टच स्क्रीन दे दिया गया, पहले आपको बिल्कुल बेसिक सा बटन्स वाला मिलता था, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है। ट्रैक्शन कंट्रोल को यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया गया, और आपके यहाँ पे ओवर VM के जो एडजस्टर्स थे वो यहाँ मिलते हैं। दोनों के अंदर ही आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट ऑफ फोल्डिंग का ऑप्शन मिल जाता था। बाकी अगर बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो पहले वाली के अंदर आपको दो ग्लव बॉक्स मिलते थे, एक ऊपर और एक नीचे, और अब आपको सिर्फ एक ही मिलता है। एंड ओवरऑल अगर बात करें ना कंप्लीट डैशबोर्ड लुक की, तो अब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गया इस कार का कंप्लीट डैशबोर्ड। पहले थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का लगता था, मतलब जब कार लॉन्च हुई थी उसी टाइम से मेरे को उसका डैशबोर्ड लुक जो था वो कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। ये वाला सेटअप ऑलमोस्ट सेम सा ही आपको मिल रहा है, गियर बॉक्स जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये वाला एरिया ऑलमोस्ट सेम है। सीट्स की मैं बात कर रहा था, तो सीट्स में थोड़ी सी यहाँ पे कुशनिंग को इम्प्रूव कर दिया गया। बाकी डिज़ाइन वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, पहले जैसी ही हैं बिल्कुल। रूफ लाइट आपको यहाँ पे सेम मिलती है, 2005 वाली स्विफ्ट से ये लिया गया है, मतलब वही यहाँ पे है वही उसमें है। तो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बट हाँ जो है अब यही आ रहा है। एंड ओवरऑल अगर बात करते हैं तो क्वालिटी अब इस कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई, अगर पहले से हम इसे कंपेयर करते हैं तो। बाकी ये थे गाइस कुछ डिफरेंसेस जो कि आपको यहाँ पे दोनों कार्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आपको दोनों कार्स में से कौन सी कार ज़्यादा बढ़िया लग रही है मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे को पर्सनली नई वाली कार ज़्यादा बढ़िया लगी, हाँ, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है। मतलब 90,000 रुपीज़ कार का प्राइस ऑन रोड इंक्रीज हुआ है, एंड उस हिसाब से यहाँ पे फीचर्स इसमें नहीं दिए जा रहे हैं। मतलब हेडलैम्प्स यहाँ पे आपने रिमूव कर दिए, कीलेस एंट्री आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया, इंजन स्टार्ट स्टॉप आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया, बस एक टच स्क्रीन जरूर से इसमें दे दिया, जो कि आपको यहाँ पे पहले बटन वाला सिस्टम इसमें मिलता था। तो यही थी कंप्लीट वीडियो। आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।